नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूं अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूं ये अफ्रीकन डेजी फ्लावर के साथ। तो इसे डायमोफोथिका फ्लावर भी बोलते हैं। और ये मेरे पास पर्पल कलर का फूल खिला है, वाइट और पर्पल में। ये मैं सब कटिंग से ही रेडी करी थी, मेरे पिछले साल के प्लांट थे। और इधर मेरे ये गुलदावरी है। और फ्रेंड देखिए, ये मेरे अलमंडा में भी ढेरों कलियाँ बन रही हैं और अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, जबकि ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। और ये दिसंबर, आज 1 दिसंबर है, फिर भी इसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और यूफोर्निलिया में भी देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड। और मेरा बोगनविलिया तो फूलों से एकदम भर गया है। और देखिए मेरे पिटूनिया में एक नया फ्लावर खिला है और बड़ा प्यारा सा कलर है इसका। तो आज हम अपने सीजनल प्लांट में प्रूनिंग नहीं फ्रेंड, वो पिंचिंग के बारे में बात करेंगे। बात करें पिंचिंग की, तो पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है। और पिटूनिया फ्लावर में तो जितना करें उतना अच्छी बात है। तो जैसे कि ये फ्लावर अब ख़राब हो गया तो इसे मैं पिंच कर दूँगी, लेकिन पिंचिंग भी सभी प्लांट में नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ सीजनल प्लांट होते हैं जिनमें पिंचिंग की जाती है और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें पिंचिंग नहीं की जाती है। तो देखिए कौन से प्लांट है जिसमें हम पिंचिंग कर सकते हैं। ये मेरा पिटूनिया है, देखिए बहुत घना हो रहा है और इसमें नया फ्लावर खिलने वाला है। और ये छोटा प्लांट है, तो जो इसका टिप होता है इसको हम थोड़ा सा ही पिंच कर देंगे ताकि इसमें हम न्यू ग्रोथ ला सकें, इसीलिए हम पिंचिंग करते हैं। और सिर्फ टिप से थोड़ी सी 2-3 पत्तियां ही पिंच करेंगे। तो पिटूनिया में पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो इसमें भी हम पिंच कर देंगे थोड़ा सा। और ये जो फ्लावर ख़राब हो गए हैं इन्हें भी पिंच कर देंगे फ्रेंड। ये मेरा नया फ्लावर आने वाला है, इसमें गजानिया ऐसा है जिसमें हम पिंचिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे से ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इस प्लांट में देखिए यहाँ नीचे से ही बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई है, तो इसीलिए इसमें पिंचिंग संभव नहीं है। ये मेरा कटिंग से तैयार है डॉग फ्लावर, और देखिए इसमें पिंचिंग करने के बाद कितना घना और बुशी बन गया है। तो ऐसे ही मेरे पास ये डॉग फ्लावर है जिसमें पिंचिंग नहीं करी हूँ, तो इसको टिप से पिंच कर देंगे फ्रेंड, तो इसमें अच्छी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी खूब अच्छी आएगी। और डॉग फ्लावर में जितनी पिंचिंग करेंगी उतने ही साइड ब्रांचेस निकलेगी और प्लांट आपका घना होएगा। यहाँ पर देखिए मेरा ये एक और येलो कलर का, इसमें भी बहुत घना हो गया है और बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड। और ये भी मेरा कटिंग से ही रेडी है और इसको भी पिंचिंग कर दी हूँ। और देखिए इन सब की पिंचिंग नहीं करी हूँ, तो सिर्फ सिंगल ब्रांच ही निकल रही है, तो इसको टिप से बस पिंच करना है। 5-6 पत्तियाँ जब हो जाए और साइड से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो आप ऊपर से पिंच कर दीजिए। और डेंथन्स में भी देखिए पिंचिंग करने के बाद इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया हो गई है। और यहाँ बर्बीना में देखिए, तो इससे हमारा प्लांट बहुत घना और बुशी बनता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होएगी और पूरा गमला फूलों से भर जाएगा फ्रेंड। ये प्लांट भी देखिए, इसमें से साइड ब्रांचेस निकल गई हैं और बड़ी हो रही हैं, और जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी तो इनको भी पिंच कर दूँगी तो ये और घना हो जाएगा। और इसी तरह से ये मैरीगोल्ड का भी थोड़ा मैं पिंच कर दी हूँ तो बहुत घना हो गया है ये प्लांट। हाँ, लेकिन ये जो पेंजी का, इसमें हम पिंच नहीं करी हैं, देखिए इसमें भी बर्ड्स आ रही हैं मेरे। और ये जो कैलेंडुला, इसमें भी पिंचिंग नहीं हो सकती है, तो इसमें भी पिंच मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें से न्यू शूट्स निकलते हैं और उसी पर एक पतली से स्टॉक जैसे निकलती है और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जो अफ्रीकन डेजी है, तो इस पर आप पिंच कर सकते हैं, जितना पिंचिंग करेंगे उतना ही ये प्लांट घना और बुशी होएगा। और लेकिन मैं इस पर पिंच नहीं करी हूँ, फिर भी ये बहुत घना हो रहा है अपने आप। विंटर के जितने भी सीजनल प्लांट होते हैं जिन पर हम पिंचिंग कर सकते हैं, सिर्फ उन पर ही पिंचिंग कीजिए। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन पर पिंचिंग नहीं कर सकते हैं, उन पर ना करें, जैसे गजानिया हुआ, कैलेंडुला हुआ, तो इन पर नहीं पिंच किया जा सकता है। और जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं उस पर भी पिंचिंग संभव नहीं है, क्योंकि वो बल्ब से लगाए जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक स्टॉक से निकलती है जिसमें फ्लावरिंग होती है फ्रेंड। और जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं उस पर सिर्फ डेड हेडिंग ही की जाती है, पिंचिंग उन पर नहीं की जाती है। जैसे हमारे ये हिबिस्कस हैं, तो इन पर जब फूल पुराने हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इनकी हम डेड हेडिंग कर सकते हैं, इस पर पिंचिंग नहीं करेंगे। और रोज़ प्लांट में भी पिंचिंग नहीं की जाती है, सिर्फ इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ट्रिमिंग की जाती है या डेड हेडिंग ही की जाती है फ्रेंड।
और देखिए मेरे गार्डन में मेरे गुलाब बड़े अच्छे खिल रहे हैं और इधर भी। तो जब हम इन्हें थोड़े से डेड हेडिंग कर देते हैं या पुराने फ्लावर हटा देते हैं तो इस तरह से बडिंग बनती है और इस तरह से न्यू शूट्स निकलती हैं और जिस पे खूब अच्छी कलियां आती हैं और खूब अच्छे फ्लावर खिलते हैं फ्रेंड। तो पिंचिंग सिर्फ सीजनल प्लांट पे ही की जाती है। और देखिए मेरा पिंक रोज़ कितना बढ़िया खिला है। तो बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छे फूल खिलाए खिल सकते हैं हम सभी के गार्डन में फ्रेंड। जो परमानेंट प्लांट होते हैं उन पर सिर्फ हम डेड हेडिंग कर सकते हैं, इस बात का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना चाहिए। और पिंचिंग सिर्फ हमें सीजनल प्लांट पे ही करना चाहिए और सीजनल प्लांट पे भी सिर्फ उन्हीं प्लांट पर करना चाहिए जिनकी ब्रांचेस निकलती हैं, 5 से 6 लीव्स आ जाएँ तब टिप से थोड़ा सा हमें पिंच कर देना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड मेरा बड़ा अच्छा रोज़ खिला हुआ है और ये स्पेंड हो गया, तो इसको मुझे कट कर देना है। आप भी कट कर देना जो भी फ्लावर ख़राब हो जाए और सूख जाते हैं तो। और पिंचिंग हम जैसे अपने गुलदावरी पे करते हैं वैसे ही हम अपने और भी प्लांट पे पिंच कर देते हैं तो और बढ़िया कलियां बनती हैं। और पिटूनिया पे तो जितनी पिंचिंग की जाए उतनी बढ़िया इसकी ग्रोथ होती है और फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। और इसके स्पेंड फ्लावर हटाते जाइए तो ये अपने आप बुशी होता रहेगा प्लांट। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं हम सीजनल प्लांट से और उनकी ग्रोथ को भी अच्छी कर सकते हैं। और पिंचिंग के बाद न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है, नई ब्रांचेस निकलती हैं और प्लांट हमारा घना बुशी बनता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। तो अगर आपने अभी पिंचिंग नहीं करे हैं, आपके प्लांट छोटे हैं, तो ज़रूर कर लीजिए और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती